जब बात आती है गाजर के हलवे की, तो गाजर का हलवा किसे पसंद नहीं होता। सबके मुंह में पानी आने लगता है गाजर के हलवे का नाम सुनते ही। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम इसे बनाएं कैसे। जैसा कि हम सब जानते हैं, गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें इसे घिसना पड़ता है, जिसमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। बस यही सोचकर हम परेशान हो जाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपके साथ गाजर का हलवा बनाने के कुछ ऐसे आसान टिप शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम गाजर को ना तो हम इसे घिसेंगे, ना ही हम इसे कुकर में सीटी लगाकर पकाएंगे, और ना ही हम इसे मिक्सर में पीसकर पकाएंगे, और आपके गाजर के हलवे का टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब आएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे चैनल की सारी रेसिपी की अपडेट आपको फ्री में देखने को मिलेगी। गाजर का हलवा बनाने के लिए लेंगे 1 किलो गाजर। और गाजर लेते वक्त एक बात का खास ध्यान रखें कि जितना हो सके लाल गाजर ही खरीदें, क्योंकि गाजर जितना लाल होगा ये अंदर से उतना ही ज़्यादा मीठा होता है। फ्रेश और इस तरह के पतले गाजर ही खरीदें। पतले गाजर अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और ये आसानी से पक भी जाते हैं। यदि फिर भी आपको लाल गाजर मार्केट में नहीं मिलती तो आप कोई भी गाजर ले सकते हैं। और अब हम इन गाजरों को अच्छी तरह से धो के इस तरह से छील लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने सारे गाजरों को अच्छी तरह से छील के धो के साफ कर लिया है। अब हमें इस तरह से इनको गोल गोल हिस्सों में काट लेना है। ये बहुत ही सॉफ्ट गाजर है। जैसा कि आप देखते हैं, कभी कभी गाजर के अंदर जो वाइट वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा कड़क होता है, लेकिन ये गाजर इतना सॉफ्ट है कि इसमें वो वाइट वाला पार्ट इतना नहीं है। इस तरह के गाजर बहुत ही आसानी से पक जाते हैं। और अब गाजरों को इस तरह काटने के बाद आपको लेना है कुछ इस तरह का मोटे तले वाला बड़ा बर्तन। आप चाहे कढ़ाई लें या फिर कुछ इस तरह का भारी पैन जिसमें हलवा चिपके नहीं। और अब इसमें हमें कटे हुए गाजर को डाल देना है। और अब इसमें डाल दें 1 गिलास दूध। ये बफेलो फुल फैट मिल्क है, आप इसकी जगह टोंड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे गाजर में डाल दें और गैस को ऑन कर दें। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम ही रखना है और इसे ढक्कन से ढक देंगे। इसे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए हमें इसी तरह से ढककर पकाना है। जब तक गाजर को पकने में 15 से 20 मिनट लगेंगे, तब तक आप अपना बचा हुआ कोई भी दूसरा काम आसानी से कर सकते हैं। मुझे इस गाजर को पकाने में लगभग 20 मिनट लग गए थे, आपको उससे कम या ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो अब 15 से 20 मिनट बाद हम ढक्कन को हटा देंगे। और हमने इसमें जो दूध डाला था वो भी गाजर के साथ अच्छे से पक के गाढ़ा हो चुका है। और अब चेक करेंगे कि गाजर पका है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, गाजर बहुत ही अच्छे से पक चुका है। और अब हम इस गाजर को मैश करेंगे। या तो आप इस तरह का मैशर लेके इसे मैश करें, या फिर आप करची से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाजर कितना अच्छा सॉफ्ट पका है, ये कितनी आसानी से मैश हो रहा है। और इस तरह से हमें सारे गाजर को मैश कर देना है। गाजर दूध में ऑलरेडी बहुत अच्छे से पक चुका है, इसलिए इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। और इसमें मावा डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप अगर चाहें तो मावा भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर मावा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमने जो दूध गाजर के साथ पकाया था वो बहुत अच्छे से पक चुका है। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से सुखा लेंगे। जो भी गाजर का पानी निकला होगा वो अच्छी तरह से सूख जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, गाजर का पानी अच्छी तरह से सूख चुका है। तो अब गाजर का पानी अच्छी तरह से सूख चुका है, तो हम इसमें इस तरह से एक स्पेस बना देंगे बीच में, और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। हलवे को इस तरह से घी में भूनने से हलवे का टेस्ट बढ़ जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब हम इस हलवे को तब तक भूनेंगे जब तक घी हलवे से अलग ना हो जाए, और इस प्रोसेस में आपको लगभग 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन फ्लेम को आप लो ही रखें। और 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ 1 ही चम्मच शक्कर डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे जो गाजर है ये ऑलरेडी बहुत मीठे हैं, तो मीठे गाजर में हमें ज़्यादा शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम में रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। घी डालने के बाद हलवे को बिल्कुल भी नहीं ढकना है, अगर आप इसे ढकेंगे तो हलवा ख़राब हो जाएगा। इसे आप बीच बीच में चलाते रहें। तो आप देख सकते हैं घी जो है अलग हो चुका है हलवे से। तो अब हलवा हमारा पक के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 से 7 बारीक कटे हुए बादाम, 4 से 5 बारीक कटे हुए पिस्ता, और 5 से 6 काजू।
आप इसमें अपनी कोई भी फेवरेट ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे हलवे में अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये हमारा गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो कितना अच्छा आया है और ये दिखने में काफ़ी टेस्टी भी लग रहा है। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ अभी बाकी है और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। इससे हलवे में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है खाने में। अब फ्लेम को बंद कर दें। हमारा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसे गर्मा गर्म सर्व कर दें। हमारा गाजर का हलवा बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और इसे बनाने में बहुत ही कम समय भी लगता है। जितना टाइम हम गाजर को ग्रेट करने में लगाते हैं उतने में ये हलवा बनकर रेडी भी हो जाता है। तो आप भी इस सिंपल और इजी गाजर के हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये गाजर का हलवा कैसा लगा। थैंक यू।